कौन सा फल है? लग कैसा रहा? बढ़िया लगा। अजय हमारी देवरानी बीमार है, ऐसे खाना कुछ है नहीं खाते। खाना कुछ है नहीं। ये देखिए हमने ये फल देखा है पहली बार। मैंने पहली बार खाया है। और खाया भी पहली बार, देखा भी पहली बार, पर जितने इसका हाई रेट है इतने खाने में नहीं है। अच्छा खाने में नहीं है टेस्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगु मामा ब्लॉग्स पर। तो ये देखिए सुबह का टाइम हो रहा था, तो इसकी चाची तो हो रही थी हॉस्पिटल में एडमिट, तो ये मैं बना रही थी उनके लिए ना पपीते का जूस बना रही थी, पपीते के पत्तों का। तो ये ना मैं काट रही थी, दो तो दिए थे ये क्या नाम सतीश यानी कि किट्टू के चाचू लेके आए थे सुबह ये पत्ते, कि इनका ना खोट के मतलब कि ना काट के और मिक्सी में पीस लेना और फिर कपड़े में कुछ छान देना, निचोड़ देना, फिर वो जूस क्या नाम काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। ये जब प्लेटें डाउन हुई रहती है, घट जाती है, तो उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो ये देखिए पहले चक्कू ना छोटा है, चक्कू से ये कट नहीं रहे थे, तो मैं कैंची लेके आई, कैंची से काट रही हूँ। और हनु ना इसकी चाची भर्ती एडमिट हो रही है ना, तो हनु बिल्कुल मेरे पास मतलब इसके चाचू के साथ खेल भी नहीं रहा था, अपने चाचू के पास बस मेरे ही लगा हुआ था। और जब जैसे पहला दिन था तो किट्टू डुगू के पास भी नहीं खेल रहा था, तो मेरे साथ लगा हुआ था यहाँ रसोई में। तो ये देखिए मैंने ये पत्ते काट दिए हैं, अब मैं इन्हें मिक्सी में पीस रही हूँ। और मिक्सी में ना ये थोड़े मुश्किल से पीसे हैं, पहले ये पीसे नहीं, तो काफ़ी टाइम लगा इन्हें पीसने में। तो ये देखिए अब मैं इन्हें मिक्सी में पीस लूँगी, उसके बाद कपड़े में कुछ छान लूँगी और क्या नाम फिर बन जाएगा इसका जूस। ज़्यादा नहीं, एक एक चम्मच पी लो, काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है ये, प्लेटें इससे ना बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो ये देखिए थोड़ा मुश्किल से पिस रहा था, तो ये देखिए ये हो गया है, ये पिस के तैयार। दो पपीते के पत्ते थे और इनमें से ये निकल के आ गया है, तो देखिए कितना ही निकला है। तो ये अब इसके चाचू आ रहे हैं, वे लेके चले जाएंगे। तो मैंने बना दिया है, बना के रख दिया था। तो अब किट्टू के मतलब सतीश जा रहे हैं हॉस्पिटल में और अब इसके बड़े वाले चाचू आएंगे। तो ये देखिए ये आ गए हैं अब इसके चाचू, तो अब मैं इनको बना रही हूँ नाश्ता। बाकी सब ने कर लिया था, मैंने भी नहीं किया था अभी, क्योंकि मुझे अभी टाइम ही नहीं लगा था, काम ही इतना फैल रहा था, बहुत ज़्यादा काम फैल रहा था। तो पहले बच्चों को भी नहलाना, तीन बच्चों को ना सामने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो थोड़ी वो तो हो ही जाती है। तो देखिए तो अब मैं बना रही हूँ क्या नाम पराठे। तो पहले क्या नाम बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है, सभी ने कर लिया है, बस इसके चाचू आए हुए करेंगे और फिर बाद में मैं करूँगी। तो जैसे हम घर से चले थे ना, तो अचानक से चले थे घर से, तो पता नहीं था, तो मेरे कपड़े भी धोने के हो रहे थे, तो फिर मैंने यहीं आके कपड़े भी धोए हैं अपने, सुबह ही आज कपड़े भी धोए थे। तो काम बहुत फैल रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, 11-12 बजे जाके तो मैंने नाश्ता करा था, इतनी लेट मुझे टाइम लगा था। तो अब मैं इसके चाचू को दे दूँगी नाश्ता लगा के। और ये मेरे आने के अगले दिन बाद की वीडियो है, और जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ तो अब जाने का नंबर भी आ गया है। अब बीच में मैंने भी गला ख़राब हो रहा है मेरा आज, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ ऐसी आ रही है, तो गले में थोड़ी सी खराश जुकाम नज़ला सा हो गया था ना, और गला बैठ गया था, तो उसकी वजह से थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है। तो जी देखिए मैंने लगा दिया इसके चाचू का नाश्ता, इसके चाचू को भी नाश्ता दे दिया है, खुद भी कर लिया है। तो अब मैं लेके आई थी घर से जमे, तो अब मैं वो जमे भून रही हूँ, लाओ इन्हें भून के रख देती हूँ। घर तो घर भी नहीं भुने थे, घर भी रखे थे अभी सारे भूनने के, तो ऐसे कैसे ले आए थे, माँ जी ने दे दिए थे कि लो वहीं भून के रख देने ना। तो ये मैंने भून दिया है और इसके चाचू यहाँ आ गए हैं, थोड़ा पानी वानी लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, जो उन्हें लेके जाना है थोड़ा बहुत। तो जी देखिए हनु चला गया था स्कूल में और किट्टू और डुगू टीवी देख रहे थे, वे टीवी में लग रहे थे। तो जी देखिए अरे ये हो गया जमे भून के तैयार। तो ये भून के रखे जाते हैं ना तो फिर ये ख़राब नहीं होते, सिलन वगैरह नहीं आती है कुछ भी, और ना सिलन भी आ जाती है वैसे वो हो जाते हैं, तो भून के रख देते हैं तो सही रहते हैं। तो जी देखिए जमे भून के रख दिए मैंने, तो अब रह गया है दोपहर का खाना। तो जी देखिए ये ना जिस दिन हम आए थे ना, शनिवार वाले दिन आए थे हम, तो उसी दिन ना इसके चाचू ने सुबह को बहुत सारे कपड़े धो रखे थे, तो आरती की तो तबीयत ख़राब हो रही थी, तो कपड़े बुन के बहुत हो रहे थे धोने के, तो उन्होंने सुबह ही मशीन लगा ली होगी, तो सुबह ही कपड़े धो दिए थे, तो बहुत सारे कपड़े धो रखे थे और मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने कपड़े धो रखे। और वे हॉस्पिटल में से ना तो शाम को 9 बजे के करीब आए थे, वे 9 साढ़े 9 बजे के करीब जब लाए थे
उतार के लेके आए थे ना कपड़ों को, और मुझे पता भी नहीं था, मैं मुझे बता देते मैं खुद ही ले आती उतार के। फिर क्या नाम देखिए, फिर मैं इनकी कर रही हूँ, अगले दिन कर रही हूँ मैं इनकी, तो तय वो तय तो इनके अगले दिन हो रही है। तो जी देखिए दोपहर को कर रही हूँ मैं इनकी तय, वे तो रात को लेके आए थे ना उतार के ना, शनिवार वाले दिन धोए थे, तो ये इतवार वाले दिन का है, तो मैं इतवार को तो कपड़ों की तय करने के बाद, तो ये देखिए मैं थक गई थी बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने खाने में नमकीन चावल बनाए हैं। तो ये देखिए ये मैंने किट्टू और लेके गई हूँ खाना, इनके चाचू को दिए मैं, तुम इन्हें खिला दो दोनों को, और मैं हनु को खिला दूँगी। वो ना पहला दिन था जैसे इनके साथ ना, तो बैठ नहीं रहा था इनके साथ, अलग ही बैठ रहा था, अलग ही जाता जा रहा था, और बच्चा अपने माँ बाप के बिना परेशान तो हो ही जाता है। तो ये देखिए अब मैं यहाँ से हनु को खिला दूँगी, बैठा था अकेला बैठा हुआ, टीवी देख रहा था बेचारा। तो जी देखिए अब मैं इसे खिला देती हूँ खाना। तो जी देखिए लग गई हूँ मैं अब इसे खाना खिलाने में, और ये टीवी देखता देखता खा रहा है। अरे ये क्या नाम खुद भी खा लेता है, बस मैं बिठा के खिला रही थी, ये खा थोड़ा वो कर रहा था खाने में, वो हो ही जाता है जब अपने माँ बाप रहते हैं घर में, तो थोड़ा वो बच्चे का अलग ही हो रहता है, और जब रह दिखते नहीं तो थोड़ा वो है, पर भगवान की कृपा है कि हाँ ये मेरे पास रह लिया दो तीन दिन। तो जी देखिए मैं इसे खिला दूँगी खाने में, ये भी किट्टू डुकू की तरह नखरे कर रहा था। तो जी देखिए मैं इसे लगा लगा के वो करके खिला रही थी। खिला रहा बेटा नु भाई, तुझे खिला रहा देखो दिमाग उठा रहे थे, ठीक है हनु को दे दे बलून। ओए कहाँ गया बलून? तो जी देखिए ये क्लिप है इसके चाची की जब छुट्टी हो गई थी, तो उसके बाद की है ये तीन दिन बाद की क्लिप, क्योंकि वीडियो बनाने का सही में टाइम ही नहीं लग रहा था। तो अब तो इसकी चाची की तबीयत ठीक हो गई थी, तो छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल में से। ये देखिए बच्चों की मस्ती चल रही है, ये ऊपर बेड में से ना नीचे कूद रहे हैं बार बार। ये सोफ़ा भी है और इसका ना बेड भी बन जाता है, खुल भी जाता है तो इसका बेड भी बन जाता है। तो ये देखिए ऊपर से नीचे कूद रहे थे तीनों ही, हम कह रहे थे मैं कहा एक दूसरे के ऊपर ना कूद जाना, कभी चोट चाट लग जा, और मान ही नहीं रहे थे, लगे पड़े थे तीनों खेलने पर, पूरी मस्ती कर रहे थे। तो ये पड़ी है यहीं पर आरती, तो अब तो तबीयत थोड़ी ठीक है, पर थोड़ी ठीक है। तो ये देखिए तो यहाँ खा रहे हैं खाना, ये भी एक दो दिन बाद का ही क्लिप होगा आने के बाद का। तो ये बैठे हुए खाना खा रहे हैं, तो ये इनके चाचू ने खाना खिला रहे हैं तीनों को लगा लगा के कि अब इसका नंबर। तो जी देखिए ये वीडियो मेरा इतना ही है, तो आई होप आपने वीडियो इन्जॉय किया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।